जॉन बनेगा डॉन, कोबरा बंडल के पास न्यू साइकिल, वाओ। डॉन साइकिल चुराएगा, पर अभी मेरे पास नंबर वन नंबर टू तो है ही नहीं। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर एडम की सहायता लेता हूँ और कोबरा की साइकिल छू कर दूंगा। यह है एडम, जो अपनी जिंदगी से परेशान और इससे लोग भी परेशान, ये अपने आज से बहुत ज्यादा परेशान है और फ्री फायर के जो लोग है ना, वो इसे देखना भी पसंद नहीं करते हैं। अबे एडम, तू पागल हो गया है, तू ऐसे गैंगस्टर नहीं बनेगा, मेरी खोपड़ी क्यों तोड़ रहा है? मैं किसी काम का नहीं, और मैं चाहता हूँ कि मैं गैंगस्टर बन के लोगों को डरा सकूं, मुझे कोई पसंद नहीं करता। अबे तू मेरी खोपड़ी क्यों तोड़ेगा, मुझे गोली लग जाएगी। मैं तेरे सिर के ऊपर गोली मारना चाहता हूँ, तेरे बालों पे, पर ये गोली लग नहीं रही। मेरा निशाना कब सक्सेस होगा? मैं भी एक बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता हूँ, लोग डरने चाहिए, पर ये निशाना बैठ ही नहीं रहा है, ये तो नकली बंदूक है। अबे तू मुझे मार के रहेगा, मेरी बात सुन, नकली हो या असली, दीवार में तो छेद कर ही रही है ये। मेरी बात सुन, तू ऐसे गुंडा नहीं बनेगा, तुझे कोई काम नहीं मिलेगा ऐसे। तो तू बता मुझे, मुझे क्या करना चाहिए? लोगों को डरा धमका के पैसा लेना चाहिए, या एक गैंगस्टर बनना चाहिए, या मुझे कोई पसंद नहीं करता। मैं चोरी भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। अबे ईमानदारी से काम करना और उससे कमा के खा सकता है तू? इतना परेशान होना अपनी जिंदगी से, साला कोई किराया का पैसा नहीं देता और ना ही अपनी गाड़ी को बुकिंग करता है। अब मुझे लगता है चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए मेरे को। हर कोई मुझे कालिया कालिया बोल के चला जाता है, कोई इज्जत नहीं इधर अपन की। जॉन कालू एडम के चक्कर में अपन को किसी न किसी से पूछताछ करनी। अरे ये रहा कलुआ, ये उसी बिरादरी का लगता है, चलो इससे जाके पूछताछ करता हूँ। भाई सुन, एडम का पता है क्या तुझे? बता दे अगर है तो, मुझे बहुत जरूरी काम उससे। अबे चोर कहीं के जॉन, तू यहाँ क्या लेने के लिए आया? लोगों की तू अंडरवर्ल्ड भी नहीं छोड़ेगा, जीटीए के अंदर निकल जाए यहाँ से। जॉन से पंगा लेना भारी पड़ेगा तुझे, बता दे वरना तेरी गाड़ी का रातों रात इंजन गायब कर दूंगा मैं। तू जानते है ना जॉन के गुस्से को, मैं हूँ डॉन। धमकी देता है साला मेरे को, अब रुक, सभी फ्री फायर वालों को बता दूंगा कि चोर घुसाया है जॉन हमारे, निकल यहाँ से निकल। कलवे साले गेंडे, मैं तेरे भेजने से निकलने वाला नहीं हूँ यहाँ से, फ्री फायर तेरे बाप का है क्या? सबको बता दूंगा। सुन वुकांग, मटू और पतलू आ रहे हैं और हम लोगों को उनके सामने ऐसा लगना चाहिए कि हम यहाँ जीटीए में आने के बाद बहुत पावरफुल आदमी है। मैं ऐसा सोचूंगा और हाँ ऐसे डांस करूंगा उनके सामने, उनको लगेगा कि हम बहुत ज्यादा इज्जत कर रहे हैं उनकी। शाबाश, यही चाहता था मैं, यही उनके सामने हमारी इज्जत और लगना चाहिए उनकी इज्जत, क्योंकि वो यहाँ आ रहे हैं और उनके हाथ में एक केमिकल वाला बैग होगा, उससे हम एक बड़ी पावर शक्ति बनाएंगे। जीटीए 5 तो बहुत ही तगड़ा लग रहा है, हम आखिरकार पहुँच ही गए यहाँ, अब देखना हमारी इज्जत कितनी बढ़ती है, यहाँ हमारे लिए लाखों लोग खड़े होंगे। अबे क्या कर रहा है? सुन वोकांग, उनका हेलीकॉप्टर आ चुका है, इज्जत से आना पेश और लगना चाहिए इज्जत। देख वो आ चुके हैं, वो आएंगे चल के हमारे पास। मोटो चलो, हम जिंदा तो उतर गए, चलो आराम से चलते हैं, जिस काम के लिए आए उसे निपटा लेते हैं। अरे पतलू, वो क्या हुआ गया, समोसे नहीं खाए ना? वैसे भी अपनी गाड़ी तो ऐसी ही चलती है। वो आगे, अब मैं देखना उनका स्वागत कैसे करना चाहिए। मेरी बात सुन, उनके सामने ज्यादा मत बोलना। हाय पतलू और मोटो, तुमने अपना काम किया? हाँ कबरा, हमने काम तो किया, पर हमने सोचा लाखों की तादाद में भीड़ होगी, यहाँ तो कोई देखने को नहीं मिला। चलो ठीक है,
पतलो ये टैची मुझको दे दो और सुनो तुम लोग यहाँ से चले जाओ। नहीं नहीं कोबरा, तुमने क्या बोला था कि तुम लोग मुझे पैसे दोगे? हम खाली हाथ फुरफुरी नगर नहीं जाने वाले। और हाँ, तुम लोग हमें चीटे भी तो घुमाओगे ना? बस इतनी सी बात, तो चलो आओ मोटू और पतलू, मैं तुम लोगों को आज जीटीए में घुमाता हूँ। मेरा नाम कोबरा है और सुनो, मुझे जीटीए में आए हुए पूरे 3.5 साल हो गए। अबे कोबरा, क्या कर रहा है? आराम से चला मेरे भाई गाड़ी को, मुझे डर लग रहा है तेरे साथ। मुझे भी बहुत डर लग रहा है पतलू, मुझे पकड़ ले भाई। तुम टेंशन मत लो, ये अब उनका रोज का काम है मोटू पतलो। अबे बचाओ, अबे ना, ये पलट गई। अबे मारेगा क्या कोबरा, मारेगा क्या पतलू? मर गए हम लोग मोटू। ये तेरा काम है क्या रोज का? हमें उल्टा गिरा दिया, क्या शेर करवा रहा तू? मोटू लगी मेरे कमर में, तू कहाँ लेके आ गया? सॉरी भाई लोगों, सॉरी, ये तो रोज का काम है ना, इसीलिए। चलो चलो गाड़ी से बाहर निकलो, हम लोग पैदल चलते हैं। और सुनो, आगे जाके हम टैक्सी कर लेंगे। कोबरा, तुम्हारा ऐसा रोज का काम है क्या? आज तो हम मरते मरते बचे। पतलू, हम गलत तो नहीं आ गए यहाँ पर? या इसकी स्टीयरिंग लॉक हो गई थी, इसीलिए हम गिर गए। अब उसको मारने से कुछ नहीं होगा, अब हम शांति से पैदल चलते हैं ताकि जल्दी पहुँचेंगे। अबे मुझे माफ कर दो, ऐसी कोई बात नहीं है, वो गाड़ी की स्टीयरिंग लॉक हो गई थी। हम अभी 5 मिनट में चल पड़ेंगे और टैक्सी कर लेंगे। कोबरा, हमने तेरा काफी नाम सुना था, पर तू तो एक नंबर का चुल्लू निकला। अबे मार देता हमको रस्ते में। हाँ पतलू, सही बोल रहा तू। और कोबरा, यहाँ मेरे लिए समोसे का इंतजाम तो है ना, मुझे समोसे के बगैर नहीं रह सकता मैं। मोटो और पतलू, तुम लोगो को सब मिलेगा, और तुमने वो बॉक्स दे दिया ना, तो पूरा जीटे ही तुम्हारी सेवा में है। मुझे कोई काम नहीं देता। चलो आओ मेरे साथ आ तू, मैं तुझे एक सीक्रेट राज बताना चाहता हूँ। हम लोग चोरी करने चलते हैं, अगर चोरी में सफल हुए ना तो हम लोग अमीर कहलाएंगे और एडम की खोई हुई इज्जत वापस मिलेगी। अगर आज मैंने चोरी की ना तो मेरा नाम भी काना राम नहीं। अबे काने के बच्चे, मेरे साथ आ। और सुन, किसी को बताना मत कि आज हम चोरी करने गए थे। और सुन, मेरी छतरी में आने की जरूरत नहीं, ये बस एडम चचा के लिए है। ठीक है एडम चचा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा हम चोरी करने गए थे। तुझे मालूम है काने राम, मैं बहुत बड़ा डॉन बनना चाहता हूँ। मैं रोज प्रैक्टिस करता हूँ गोली लगाने की, वो भी बुया बंडल के सिर के ऊपर नकली गन से। पर नहीं लगती ना अपन से, जब तक नहीं लगेगी जब तक अपन गुंडा नहीं बनेगा। चल चल, 10 का 5 दे। के तेरा रोज का हो गया, रोज आटा और फ्री में पान खा के जाता। हमको पैसा चाहिए, चाहे तू कहीं से भी लाई। दारू के ठेके वाले को तो बहुत डेटा, मुझे नहीं डेटा, रोज उड़ा रखता साले। अबे भाई मैं तुझे दे दूंगा, पर भाई बात सुन, एक ताजा खबर आई मेरे पास कि कोबरा बंडल और मोटू पतलू कहीं डील करने वाले हैं बहुत तगड़ी। तो आज इसी बात पे मुझे उतार दे दे। क्या बात कर रहा तू, कुछ सुना क्या तूने? वैसे कोबरा मेरा बहुत पुराना दुश्मन है, सालों से बदला लेके रहूंगा। और हाँ, आज तो ले जा, लेकिन मुझे पैसे चाहिए भाई, पैसे दे दियो जल्दी से, ठीक है ना? और हाँ, आगे कोई भी खबर हो तो मुझे बता दियो। ठीक है चलता हूँ मैं। इनको कमीनों को वो चाहिए पहले कहानी, टीचरों को कहाँ से ला के दूँ? चलो झूठ बोल दिया मैंने तो, ऐसे ही काम हो गया अपन का आज का। एडम भाई, मैं सच बता रहा हूँ तुझे, एक फुरफुरी नगर से एक बंदा आया था, छोटा सा और मतलब उसकी कद सब छोटी थी, और वो तुझे ढूंढ रहा था। बोल रहा था कि मुझे एडम का घर बता दो या उसको जानकारी बता दो, वो कहाँ मिलेगा। क्या बात कर रहा है, मेरे बारे में आज तक किसी ने नहीं पूछा, कौन है वो, मुझे जल्दी बता कहाँ मिलेगा।